नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य निषाद पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर पहुंचे थे। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला किया। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, देखिए आज के इस रिपोर्ट में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने खुद जनता से पूछ लिया कि उन्हें पौवा चाहिए या पावर चाहिए। इंडिया पर हमलावर केशव प्रसाद मौर्य ने गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गढ़ तक करार दे दिया। आपको बता दें कि निषाद पार्टी अपनी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मना रही थी। निषाद पार्टी ने स्थापना दिवस के मौके पर गोरखपुर में कार्यक्रम आयोजित किया था। राज्य के होने वाले उपचुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मौर्य ने कहा कि केवल कमल नहीं खिलाना है, बल्कि विरोधियों की जमानत जब्त कराकर 2024 के लिए संदेश भी देना है। वहीं इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सारी विरोधी पार्टियां एक तरफ दिखाई देगी, लेकिन उनके साथ वोटर नहीं होंगे। हालांकि उनके साथ नेता हो सकते हैं, नेता इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मोदी जी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचारी इसलिए इकट्ठा हुए ताकि कैसे भी अगर इनकी सरकार बन जाए तो इन लोगों ने जो गरीब जनता को लूटा है वो इनके पास बच जाए और उनका भला होता रहे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता सुख की नींद सोए और गरीब दुख की नींद सोए, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए अपना एक एक पल न्यौछावर करने वाले पीएम मोदी का संकल्प है कि वो इस देश के हर गरीब के जीवन को खुशहाली से भरने का काम करेंगे। अपनी गरीबी की कहानी बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से ही पूछ लिया कि पौवा चाहिए या पावर चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार 2004 में चुनाव लड़ा था तो उस समय हम पौवा नहीं जानते थे, हालांकि झउआ जानते थे जिसे हम सिर पर रख कर खेतों में ले जाते थे। उन्होंने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा आज यूपी में कैबिनेट का मंत्री है। केशव प्रसाद मौर्य के इस नए अंदाज को देखकर विपक्ष भी दंग रह गई, क्योंकि इस बार उन्होंने जनता से ही विपक्ष के बारे में राय पूछ ली ताकि विपक्षियों को भी ये खुद पता चल जाए कि जनता उन्हें चुनेगी या फिर बीजेपी को। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।